प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मैया जी, आए किसी ने सवाल पूछा कि हम चाहते हैं मन को प्रसन्न रखना। ये शायद आप सबका सवाल था, इसीलिए मुझे ये बात कहनी पड़ी। हम चाहते हैं मन को उन्नत करना, फिर भी हम कोशिश करने के बावजूद भी हम मन को उन्नत नहीं कर पाते और हमारा मन बार बार फिसल जाता है। तो हम क्या करें? ये कल किसी ने सवाल पूछा था। मैया जी ने उत्तर दिया कि नाम जप करते रहो, नाम जप उठते बैठते भी, क्योंकि नाम जप में ही एक ऐसा कोई विधान नहीं है कि आपको सोते नहीं करना, बैठे नहीं करना, चलते नहीं करना। नाम जप किसी भी अवस्था में किया जा सकने वाला एक उत्तम साधन है। नाम जप करते रहो और मन पर ज्यादा ध्यान मत दो कि फिसल रहा है या दुखी है या सुखी है। अपने आप मन अपने जगह पे ठिकाने पे लग जाएगा। तो मैंने सबकी ओर से सवाल पूछा कि अगर नाम जप में भी मन नहीं लगता है या हम करते हैं और बार बार भूल जाते हैं, ऐसा आपके साथ होता होगा, तो क्या करें? और उसमें मन ही नहीं लगता। मैया ने क्या कहा? मन नहीं लगता फिर भी करो। विष अगर थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो भी मृत्यु का पात्र बना देती है। नाम जब किसी भी स्वरूप में लिया जाए उद्धार का पात्र नहीं बना सकता। इसीलिए अपना कल्याण चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नाम जप में श्रद्धा करनी चाहिए। अगर पत्थर पर लिखा नाम समुद्र तैर सकता है, जो प्रमाण आज भी उपस्थित है कलयुग में, तो नाम जप से मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता? यह संभव है। मैया जी ने एक चीज और कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि आप किसी के दरवाजे पर जाकर उसे पुकारते हैं, ओ सुरेश, ओ सुरेश, ओ सुरेश। सुरेश चार बार दरवाजा नहीं खोलता, पांचवी बार नहीं खोलता, छठी बार नहीं खोलता, सातवीं बार नहीं खोलता, आठवीं बार उसकी बीवी कहेगी, जाओ ना जी देखो तो सही, है कौन? हर रोज आके हमारे दरवाजे के बाहर आके आपका नाम लेता है, जाओ ना देखो ना, पता तो चले कौन है। ऐसे ही हर रोज उसको राम से या कृष्ण से, जो भी आपको पसंद आए, उसे पुकारते रहो। एक दिन नहीं खोलेगा, दो दिन नहीं खोल, दस दिन नहीं खोलेगा, ग्यारहवें दिन तो खोलेगा। जिस दिन खोलेगा आपका नाम लेना वसूल हो जाएगा। इसीलिए लेते रहना चाहिए। भाव को भाव अनघ आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दसम। नाम जपने से मंगल होता है दसों दिशाओं में। नाम जपने वाले व्यक्ति को क्या क्या फायदे होते हैं? केवल भवसागर तरा जाता है, ऐसा नहीं है। नाम जप करने वाले व्यक्ति को अंतः प्रेरणा होती है। सबसे पहला, यदि आप संसार में कुछ कार्य कर रहे हैं और कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं या कोई कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, आपको अंतः प्रेरणा जरूर होगी कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप नाम जप करते हैं तो आप जिसका नाम लेते हैं उसकी जिम्मेदारी हो जाती है आपकी सुरक्षा करना। तो यदि आप किसी असुरक्षा के भाव में हैं या असुरक्षा में आप घिरे हैं, तो सुरक्षा करना भी उस परमात्मा का कर्तव्य बनता है, वो करेगा। जेड प्लस सिक्योरिटी उसके आगे फीकी है। लोग जेड प्लस में भी गोली खा जाते हैं और नाम जप करने वाले अकेले घूमते फिर भी बादशाह होके घूमते, कुछ नहीं होता। नाम जप करने वाले व्यक्ति
व्यक्ति के इर्द गिर्द सुरक्षा कवच का निर्माण होता है जो आपके सामने आने वाले कुछ विषम व्यक्ति या असामाजिक तत्व उनको आपसे दूर रखता है। चौथा नाम जप करने का सबसे उत्तम क्या होता है कि आने वाली स्थितियां यदि आपके लिए विकट हैं, तो या आपको अंतः प्रेरणा होती है या आने वाली स्थितियों को प्रेरणा होती है, वो आपसे 100 कदम दूर से पलट जाती है। ये सबसे बड़ा नाम जप का प्रभाव। आपने अपने जीवन में देखा होगा कई बार, आपने जो जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है उनको इस बात की अनुभूति होगी कि आप कहीं जप करके जाते हैं या आप कहीं, आपको लगता होगा कि अगर मैंने यहाँ पर आकर अपने गुरु का स्मरण नहीं किया होता या मैंने नाम जप नहीं किया होता तो मैं बहुत बुरी तरह फंसता, अच्छा हुआ मुझे पहले से ही पता चल गया तो मैं बच गया। ऐसा कितने लोगों का अनुभव, लगभग सभी का। नाम जप सुरक्षा करता है, एक सिक्योरिटी की तरह आपके साथ होता है, इसीलिए चलते फिरते नाम जप करना चाहिए। और वो बोनस में जो सबसे पहला काम नाम जप का होता है, जैसे वीजा लगती है ना, आप अमेरिका जाते हैं ना, अमेरिका जाते तो आपको पासपोर्ट चाहिए ना, पासपोर्ट चाहिए पर्याप्त नहीं है, वीजा चाहिए। तो जैसे हम फॉरेन उतरते हैं या हम किसी देश में जाते हैं और हमारे पास वीजा है 10 साल का या 6 महीने का, तो आपकी वीजा देखकर आपको एंट्री दी जाती है। यदि आपके पास वीजा ना हो तो लौटा दिया जाता है आपको, कितने ही पैसे खर्च करके क्यों ना आए हो, कोई परवाह नहीं। तो यदि आप नाम जप कर रहे हैं और आप जपी हैं, तो आप मृत्यु के बाद यदि उत्तम लोक में जाते हैं और यदि आपके वाइब्रेशन नाम जप के हैं, तो आपको एंट्री अच्छी जगह पर मिल जाएगी। वीजा है, नाम जप आपका वीजा का काम करता है। तो मुझे नहीं लगता कि नाम जप करने वाले को कभी भी कोई विषमता का सामना करना पड़ता हो, इसीलिए जप जरूर करते रहना चाहिए। अगर जो लोग दीक्षित हैं, जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है, वो 10 माला करते ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर मेरी आपको एक सलाह ये रहेगी कि आप चलते फिरते भी जिस भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं, अगर गुरु मंत्र आपके पास है, चलते फिरते भी जपा करो। जब आप गुरु मंत्र का इतना जप कर लेते हैं, तब आप में एक एनर्जी डेवलप होती है, और जब आप जमीन पर पैर रखते हैं ना, तो आपको लगता है उस समय कि आपकी एनर्जी खींच रहा है कोई, आप में इतनी एनर्जी होती है कि आपको लगता है कि आप खुले पैर अगर आप जमीन पे चलते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ खींचा जा रहा है। तो चप्पल पहन के चलते हैं वो लोग, इसीलिए हम लोग घर में भी चप्पल पहनने का विधान बताते हैं कि खुले पैर नंगे पैर धरती पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी धरती में चली जाती है। तो जो लोग साधन है, हम लोग आसन क्यों बिछाते हैं, आसन भी इसीलिए बिछाते हैं कि हमारी एनर्जी धरती खींच लेती है। जब आसन बिछाते हैं तो हम, हमारे वाइब्रेशन हमारे पास रहते हैं, हम किसी और के आसन पर बैठते हैं जब, मतलब किसी और की चेयर पे, साधकों को इसीलिए किसी और की चेयर पर बिना आसन के बैठने का विधान नहीं है कि उसके वाइब्रेशन हम इतनी जब तप करते हैं, जो वे थोड़ा बहुत करते हैं। निगुरे लोगों की जगह पर बैठ कर, हम अपना एक साधन तो करते नहीं है ज़्यादा, जितना थोड़ा बहुत करते हैं वो भी हम अपना किसी और के आसन पर बैठकर गंवा देते हैं। इसीलिए आसन हमारा एक सुरक्षा कवच बनाता है। आपको ये कथा भी पता होगी कि लक्ष्मण खरदूषण की जगह पर खड़ा था, तो उसने अपने भाई से हिसाब मांगा, राम जी से, कि मैंने आपके लिए इतनी सेवा की, मेरा क्या हिसाब है। जो व्यक्ति जहां पर रहता है अपने वाइब्रेशन वहां पर छोड़ता है। कभी कभी आप किसी किसी जगह पर जाते हैं ना,
तो आपको ये फील होता है जैसे बहुत कामुक होना, बहुत भयभीत होना, बहुत चिंतित होना और किसी के घर जाना मजा नहीं आ रहा है, यहां पर आकर अच्छा नहीं लगता है। आपको पता चलता है, ये जो पता चलता है ना, ये वहां के वाइब्रेशंस आपको पता देते हैं कि अच्छे नहीं हैं। ऐसे ही किसी लोगों से आप मिलते हैं तो किसी लोगों से मिलके आपको लगता है इसके देखना बहुत अच्छा लग रहा है, आदमी अच्छा है। और कोई अगर आपके घर में भी रहता हो ना, बात करना पसंद नहीं करोगे आप। वाइब्रेशन, उसके वेव्स वाइब्रेशन, किसी की आंखों से क्रूरता झलकती है, किसी की आंखों से मधुरता झलकती है, तो वो जो मधुरता और क्रूरता क्या है, उसके भीतर रहे हुए चल रहे विचार और वृत्तियां उसकी आंखों से झलकती है। इसीलिए हमें अपने वाइब्रेशंस की रक्षा करनी चाहिए। आप में एक प्रकार की ऊर्जा है, जो निगुरे होते हैं उनकी ऊर्जा अलग होती है, जो दीक्षित होते हैं या जो थोड़ा बहुत जप तप करते हैं उन लोगों की ऊर्जा अलग होती है। इसीलिए जिस तिस के हाथ का भोजन करना नहीं चाहिए, जहाँ तहाँ बैठना नहीं चाहिए, जिस तिस से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, जिस तिस के घर का पानी नहीं पीना चाहिए,